हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। तो आज के ब्लॉग में हम बहुत सारे काम करेंगे, जिसमें से एक है कि मैं आप लोगों को अपनी स्पेशल यखनी पुलाव की रेसिपी दूंगी। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, इतना मजे का बनाती हूँ ना मैं, आपकी सोच है। काश मैं आप लोगों को खिला सकती, लेकिन खैर कोई नहीं। तो एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर कि हमारे घर में कुछ रेनोवेशन वगैरह चल रही थी, तो किचन अभी तक किचन की भारी नहीं आई। मैं कोई 2-3 महीने हो गए मुझे इंतजार करते हुए। तो आज मैंने सोचा कि यार मैं खुद ही उठा के सीटें लगा लूंगी, और फिर हमने आधी चिपकाई, फिर वो आधी ठीक लगी, आधी थोड़ी सी खराब हो रही थी। तो हमने कहा दफा करो यार, चलो खाना खाने चले बाहर। चाइनीज फूड मुझे वैसे बहुत पसंद है, ये ना यम्मी बाय डीएफसी का पहले मैं बहुत शौक से खाती थी। जब मैं इधर से गुजरी तो मैंने कहा यार ये खा के देखते हैं आज। अच्छा वो जो मैं उसका बता रही थी ना शीट्स का, टू बी ऑनेस्ट यार वो शीट्स बहुत अच्छी है, मैंने अपनी वार्डरोब के ऊपर लगाई है, मैंने अपनी किचन की शेल्फ के ऊपर लगाई है, वो वाटर प्रूफ है, हीट प्रूफ है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोगों को ऐसे कोई चीज रेनोवेट करनी है ना, तो आप लोग लाजमन वो शीटें यूज करें। क्या देख रही हूँ? अच्छा हमारे घर में ना चाइनीज सिर्फ मुझे पसंद है, मुकीत मेरी वजह से जबरदस्ती खा लेते हैं, और बाकी घर में सारे ऐसे गंदे गंदे मुंह बनाते हैं चाइनीज खाते हुए। उनको ये होता है यार कढ़ाई शढ़ाई मंगवाएं, और मुझे ये होता है यार कढ़ाई तो घर भी बना सकते हैं ना, तो चलो कुछ इस तरह की चीजें खाते हैं जो आप नॉर्मली घर में नहीं बनाते। तो इस वजह से चाइनीज खाने सिर्फ मैं और मुकीत आए हुए थे, और यहाँ से सबसे पहले हमने इनका स्पेशल पास्ता ऑर्डर किया। इन्होंने कहा जी व्हाइट और रेड दोनों में आएगा, व्हाइट बहुत मजे का था, रेड बहुत खट्टा था, तो आई वॉन्ट रिकमेंड। बाकी यार इनका खाना बहुत अच्छा था सच में। ये मेरा दिल कर रहा था फिंगर फिश खाने का, लेकिन मुकीत कहते हैं कि मामा की फिंगर फिश बहुत मजे की है, यानी मेरी सास बहुत बहुत मजे की फिंगर फिश बनाती है ना, तो इंशाल्लाह कभी मैं आपको उनकी रेसिपी शेयर करूँ। सच में जब मुकीत पाकिस्तान में नहीं होते हैं ना, तो मैं बड़ा परहेज करती हूँ, मुझे ये होता है कि यार वजन वगैरह थोड़ा सा कम कर लें, मैं रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाती, और जब वो आ जाते हैं ना तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे तो बड़े पार्टी डेज चल रहे हैं, तो मुझे तो ये होता है खाना खा के निकले हैं, मैंने आइसक्रीम भी खानी है, मैंने मीठा भी खाना है, यहाँ पे मुस्तफा साहब मेरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि मैंने खाना। चलें जी अब क्विकली स्टार्ट करते हैं हम यखनी पुलाव की रेसिपी। मुकीत को मेरे हाथ का इतना पसंद है कि जब से आए थे ना, तो मुझे कह रहे थे कि हमारा पुलाव खिलाओ। अंदाजे से तकरीबन मैं आधा कुकर पानी का लूंगी। यहाँ पे मैंने गोश्त ऐड किया है, भर के 2 चम्मच जीरे के, और बाकी सारे साबित गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, धनिया के फूल, दालचीनी, साबित धनिया और सौंफ। बाकी सारे मसाले तो थोड़े थोड़े, लेकिन जीरा, धनिया और सौंफ मैं भर के 2-2 चम्मच डालती हूँ। आप लहसुन अदरक भी ऐड कर दें, और नमक और लाल मिर्च ऐड किया मैंने। वन मोर थिंग, जितनी रिच और मजे की यखनी बनी होगी ना, उतने ही मजे के चावल बनेंगे, तो मैं यखनी के अंदर सारे साबित गरम मसाले डालती हूँ। यहाँ पे कुकर बंद करके मैं पूरे 45 मिनट का टाइमर लगाती हूँ। गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है, पता नहीं यार किन लोगों का गोश्त जल्दी गलता है, हमारा तो कोई नहीं गलता, मेरा तो कसमें एक घंटा लग जाता है कभी कभी मुझे कुकर चलाते हुए। अच्छा मैंने मामा और पापा के लिए सालन भी बनाना था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर देसी घी डाला, हल्का सा जीरा डाला, हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर एक बड़ा प्याज काट के डाल दूंगी, और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। साथ ही मैंने कुकर भी चलाया हुआ था, तो मैं उसको भी चेक कर रही थी कि काश अब गोश्त गल गया। मेरी अम्मा हमेशा कहती है कि किचन से काम करके ऐसे निकलो कि पता ही ना लगे कि यार यहाँ पे अभी किसी ने खाना भी बनाया। तो मेरी वही आदत है कि मैं साथ साथ चीजें संभालती हूँ, साथ साथ शेल्फ्स वगैरह साफ करती रहती हूँ, और मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, मतलब साथ ही अगर मैंने गोश्त चढ़ाया ना, तो पहली तरफ इतनी देर में प्याज ब्राउन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने गोश्त को चेक किया, लेकिन अभी वो पूरी तरह से टेंडर नहीं हुआ था, तो मतलब 45 मिनट्स मैंने लगाए, उसके बावजूद फिर आगे मैंने 5-10 मिनट लाइक तकरीबन 15 मिनट और दिए होंगे। दूसरी तरफ मैंने सोचा था कि सालन का मसाला भून लूंगी, और आधा गोश्त निकाल के मतलब सालन बना लूंगी, और बाकी आधे के चावल बना लूंगी। तो यहाँ पे प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, मैंने एक छोटा सा टमाटर और हरी मिर्च काट के डाली है। मुझे ना गोश्त ज्यादा टमाटर से ज्यादा ना मतलब दही में बना हुआ मजे का लगता है। साथ ही मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, नमक, लाल मिर्च, साबित धनिया और जीरा मेरा फेवरेट है, मैं भर भर के 2 चमचे डालती होती हूँ। मतलब धनिया जीरा तो हर सालन की मुझे जान लगती है, मतलब हर किसी का अपना टेस्ट होता है ना। आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोश्त को जो यखनी से निकाल लिया था, और इसके अंदर से मैं गोल गोल पोटियां निकाल के सारी सालन में डाल दूंगी, और वो जो सारी हड्डियां वगैरह वो मैं चावलों में डाल दूंगी, क्योंकि हड्डी में ना ज्यादा यखनी होती है, चावलों में तो चल जाता है। और यहाँ पे मैं दही डाल के ना इसको अच्छे से भून लूंगी। जब ऑयल पूरा सेपरेट हो जाता है और दही का पानी सूख जाता है ना, तब आपको लगता है कि हाँ जी अब आपका सालन तैयार है, अच्छे से भून चुका है। चावलों की यखनी रेडी हो चुकी थी, सालन भी ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि अब फटाफट चावल बना लेते हैं साथ ही। अच्छा यार मल्टीटास्किंग इज द की टू सेव टाइम। अगर आप ये करोगे ना कि पहले आप अलहदा से यखनी बनाओ, फिर चावल बनाओ, फिर सालन बनाओ, तो आप यूँ समझे कि आप 3-4 घंटे तो आप आराम से किचन में खड़े रहोगे। तो इसलिए पहले मतलब सच में मैं ये इसलिए बातें करती हूँ क्योंकि पहले मैं भी इस तरह की बंदी थी, मैं एक सालन बनाने जाती थी तो 2-2 घंटे अंदर ही खड़ी रहती थी किचन में। ये सारी बातें विद टाइम आपको समझ में आती हैं। और हाँ यार गोश्त में अदरक लहसुन भी डालना था, वो मैं भूल गई थी पहले बताया। जब वो अच्छे से भून चुका था, ऑयल सेपरेट हो गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, साथ ही मैंने हल्की सी काली मिर्च, गरम मसाला और सूखी मेथी, मेथी होती है नहीं, हाँ कसूरी मेथी, ये डाली है। सालन रेडी हो चुका है, फटाफट चावलों पे आते हैं। मैंने आधे प्याज ब्राउन करके सेपरेट कर लिए थे, और बाकी आधों के अंदर जितना भी गोश्त बचा हुआ था ना वो डाल लिया था। अच्छा गोश्त मैंने यखनी में से निकाल लिया था, और मेरी कोशिश होती है कि कोई स्पाइसेस उसके साथ ना चिपके में आए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आ जाते हैं। अच्छा अब यहाँ पे मैं सारे स्पाइसेस ऐड करूंगी। सबसे पहले नमक, चाइनीज सॉल्ट, काली मिर्च, लाल मिर्च और धड़ा मिर्च, ये आप अपने स्पाइसेस और टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने धनिया जीरा पाउडर डालना है, वो भी भर के ऐसे 1-1.5 चम्मच, और साथ ही आपने गरम मसाला पाउडर डालना। वैसे मैं नॉर्मली दही
में बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे आज मेरा दिल कर रहा था तो मैंने एक छोटा सा टमाटर हरी मिर्च काट के डाली है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और जब इसका पानी, ओ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने ना फ्रीज करके कूट के फ्रीज किया हुआ है, तो मैं इसके क्यूब कर लेती हूँ। 5-6 मिनट उस मसाले को मैंने भून लिया था, साथ ही इसमें मैंने अच्छे से दही मिक्स करके डाली। पहले मैंने थोड़ी सी डाली, फिर मेरी तसल्ली नहीं हुई, फिर मैंने थोड़ी सी और डाली। बस फिर इसका भी जब पानी सूख जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, मतलब कि मसाला अच्छे से भून चुका है, तो हम सारी यखनी इसके अंदर छान के डाल लेंगे, क्योंकि इतने सारे जो स्पाइसेस डाले हुए ना उनका सारा अरोमा वगैरह वो यखनी में शामिल हो चुका है अब तक। साथ ही मैंने सैलेड का सामान रेडी कर ली थी, तो मेरी आदत है मैं प्याजों के अंदर ना पानी डाल के उसको थोड़ी देर फ्रीजर में रख देती हूँ, या फिर आप ठंडा पानी डायरेक्ट डाल लेना, उससे ये होता है कि प्याज बड़े क्रंची क्रंची बनते हैं। तो दही सलाद हमारा रेडी हो चुका था, यहाँ पे यखनी को भी बॉईल आ रहा है, तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ ना, तो मेरा चावल कभी भी ऐसे खिला खिला नहीं बनता, वो ऐसे लेस लेस वाला होता है और मुझे ज्यादा मजे का लगता है। लाइक मुझे ऐसे लगता है पुलाव का मजा ही क्या होगा अगर वो लेस लेस वाला ना हो, तो वो शायद ये भी हो सकता है कि अंगूर खट्टे हैं। पानी थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने जो प्याज बचाए हुए थे ना, तो वो मैं दम से पहले डालती होती हूँ। मुझे लाइक वो जो ऐसे फ्राइड प्याज मुंह में आ रहे होते ना, मुझे बड़े मजे के लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा बिरयानी में भी और पुलाव में भी मैं प्याज अलहदा से ब्राउन करके ऊपर डालती होती हूँ। और यहाँ पे हम इसको दम पे रख देंगे और दैट्स इट, किचन वगैरह साफ करेंगे। आप लोग लाजमन ट्राई करें ये रेसिपी, आगे अल्लाह खैर करे ईद आएगी तो ईद पे भी लाजमन ट्राई कीजिएगा। आप लोग मुझे दुआएं देंगे, इतने मजे के चावल बनते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। इस टाइम सबको इतनी भूख लगी होती है ना, कोई इंतजार ही नहीं कर रहा होता। और ये है जी सालन, सालन भी ऐसे मैंने खुश खुश की रखा था मेरे घर में ज्यादा, मतलब हमारे घर में शोरा कोई नहीं पसंद करता इतना। अलार्म आफ्टर 5 मिनट्स। हाँ जी, बताएं क्या कह रहे थे। बहुत मजे की बनी है, इतनी मजे की है, आगे पीछे मैं एक प्लेट पूरी नहीं खाता, तीसरी प्लेट खा रहा हूँ आज। थैंक यू। मामा आप बताएं कैसे बने। ये दादा गमला कह रही थी। गुलदार बहुत ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आज की पहली दो चीज़ें तो मेरी इतनी मज़े की बनी थी ना कि हम लोग इतने खुशी खुशी, हम लोगों ने खाना शाना खाया, तैयारी वगैरह की, और फर्नीचर वगैरह लेना था क्योंकि अभी रेनोवेशन हुई है, तो थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह भी अपडेट करना था। तो हम लोग निकले, पहले हम लोग टिम्बर मार्केट गए, मतलब ऐसे होता है ना रिसर्च करते हुए जी, पहले हम हर जगह से रेट वगैरह ले। अच्छा, आप जब शोरूम में जाते हो ना, तो लिटरली मैं तो इतनी कन्फ्यूज हुई थी, क्योंकि ऐप इज़ ऑब्वियसली टेकिंग आइडियाज़ फ्रॉम पिंटरेस्ट, मैं उधर से मतलब देख रही थी फर्नीचर कलर किस तरह का होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है, डार्क में जाना है, लाइट में जाना है। और जो आप सोच के जाते हो, आप शोरूम पे जाते हो, तो आपको एग्जैक्टली बिल्कुल ही कुछ और ही चीज़ नज़र समझ आ रही होती है। पूरा दिन घूम फिर के रात को हमें अच्छी खासी भूख लगी हुई थी, तो हमने यार हमारे ऑल टाइम फेवरेट पठान के पराठे विद शोरबे वाला अचार, ओए होए होए क्या एलीट कॉम्बिनेशन है ये। हमारे घर में सच में ये सीन है कि हम लोग रात को जब बैठे सोच रहे हैं यार क्या खाएं, चलो यार पठान के पराठे खाते हैं, और यहाँ में मुकीत साहब शॉपर के अंदर अचार को छुपा डालते फिर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको नेक्स्ट डे की स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने इतना मज़े का पुलाव बनाया हुआ था ना कि मुझे लगा कि मैं तो बड़ी एक्सपर्ट बनती हूँ, मैं तो सब कुछ ही बड़े अच्छा बना लेती हूँ। मैंने बगैर कोई अथेंटिक रेसिपी देखे, बगैर ऐसे ही किचन में घुसी और मैंने टिकड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। मैं मामा से साथ साथ पूछ रही थी, उन्होंने मुझे कहा सूजी लो, मैदा लो, साथ चीनी लो और इनको बना के, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, शायद मैंने यही गलती की, इसमें हमने घी डाला। और मेरी ये रेसिपी फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये इतने फजूल बने थे, उफ़ तौबा, मैं कहती हूँ मुझे अभी तक दुख है मैंने इतनी सारी चीज़ें ज़ाया की। और ये देसी घी की 2 चमचे तो मेरे अभी तक मेरे दिल को चुभी पड़ी है। और इतनी मैं कोई मतलब होता है ना, कभी कभी बंदे के दिमाग के ऊपर अक्कल पे पर्दे पड़े होते हैं कि मैंने चीनी पीसने की जहमत ही नहीं की, मैंने कहा उठा के ऐसे ही डाल दी, मैंने कहा खुद ही पिघल पिघल जाएगी। हालांकि ये भी काम आपने बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आप वो टुकड़े बना रहे हैं ना, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, गोगियाँ टुकड़े जो भी बोलते हैं, तो उसके अंदर चीनी हमेशा पिसी भी यूज़ करते होते हैं, मैंने ऐसे ही डाली और वो बिल्कुल भी, अभी आप देखना आगे क्या होता है। मैंने इतनी मेहनत से पहले तो मैंने आटा गूंदा, आटा ही पतला कर दिया। खैर मेरी सास उठ कर आई, उन्होंने देखा हमारा ये तो बड़ा पतला हो गया, उन्होंने मैदा शेदा और डाला, उसको सेट करने की भरपूर कोशिश की। मैंने भी कहा कि मामा इसको सेट करें कुछ, और फिर हमने इसको थोड़ी देर रेस्ट भी दिया कि शायद थोड़ा सेट हो जाए। अच्छा, ये मैं आप लोगों को अपनी फेल अटैम्प्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यार दीज वर द मिस्टेक्स दैट आई मेड, और अगर आप लोग कभी बनाएं तो ये मेरी वाली गलतियाँ ना करना, क्योंकि इससे काम खराब हो जाता है फिर। अच्छा, अब वो यहाँ तक भी बड़े आराम से बेली भी गई, मैंने फ्राई करने के लिए उसमें तेल में डाली एक के बाद एक, और मैं देख रही थी कि यार वो जो पहले वाली थी ना वो आहिस्ता 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 घुल
घुलना स्टार्ट हो गई, पूरी तेल में घुल गई कि यहाँ तक के एंड के ऊपर जो है ना मुझे तेल लिटरली छानना पड़ा दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। और मैंने स्पेशल पापा को भेज के सामान वगैरह मंगवाया हुआ था, तो वो ऐसे मुझे पूछ रहे हो हमारा क्या बड़ा टिकड़ी होगा। मैंने कहा वो तो हम खा गए, खत्म हो गई, इतनी मजे की बनी थी। अच्छा, एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद आई ट्राइड अनदर वन। मैंने कहा चलो इसी के पैनकेक्स बना लेते हैं। मैंने वही मिक्सचर लिया, उसको थोड़ा सा पतला किया, उसको तवे के ऊपर बनाने की कोशिश की और वो तब तक बड़ा मजे का फिट लग रहा था बनावा। और ये वो सारा मिक्सचर था जो मैंने छान छान के तेल से निकाला था और दोबारा से एक ट्राई की कि काश यार अब बन जाए। टेस्टिंग मोमेंट हटना हो गई थी, चक्के बताना कैसे बना। गरम होगा, गरम है यार, वीडियो बन रही है, जल्दी चख लें। पक्की बात है, बहुत मजे की। सही से ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे वीडियो बहुत करो। तो बस फिर वो भी इतना बुरा बना था ना कि मैं क्या बताऊँ सच में, मतलब इतना बुरा था कि बस फिर मेरा इतना दिल खराब हुआ। मैंने सोचा कि यार चलो यार अब कुछ नहीं बचा करने को तो फेशियल करते हैं। तो बस फिर आई डिड माय फेशियल एंड दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। और यार मेरे कहने पे ना आपने एक दफ़ा लाजमन यखनी पुलाव इस तरह ट्राई करना है। और जो आप लोगों का फीडबैक होगा ना वो आपने इंस्टा स्टोरी पे मेरे साथ लाजमन शेयर करना। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बस शेयर वगैरह नाम भी करो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब। यार आई एम जस्ट सो डेस्परेट टू रीच 100 के। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर लें फॉर मोर लाइक स्टोरीज, बिकॉज आई एम एन एक्टिव पर्सन। तो खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना बर्दाश्त करने के लिए, इतना सुनने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।